बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट ग्लैमर। तो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही क्यूट सी कलेक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी बेबी किड्स जो हैं आपके न्यू बॉर्न बेबी के लिए। बेबी पाउच भी बोल सकते हैं आप इसको बेबी ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, और आप इसको जो है बेबी सैक भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही स्टाइलिश किस्म की कलेक्शन आज आपको बेबी सैक की देखने को मिलेगी। बड़े ही यूनिक और लेटेस्ट कलेक्शन आपको, अगर आप चाहते हैं अपने बेबी बॉय या गर्ल के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए सैक या पाउच बनवाना, तो आप जो है मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको इसे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। बेबी सैक या बेबी पाउच जो है, जो भी आप कहना चाहें इसको बोल सकते हैं। आप अपने बेबी के लिए जब बनवाएंगे तो उससे होगा ये कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो है प्यारा लगता है। इसके कलर जो हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपने बेबी के कलर के मुताबिक भी बनवा सकते हैं। इसमें बेबी जब ये पहने होते हैं तो इसमें बेबी भी बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, और ये बेबी सैक भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे होते हैं। इसे आपको बेबी और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। छोटे से बेबी वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब वो सैक में होते हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसे होता ही है कि बहुत सॉफ्ट होता है बेबी, इसमें थोड़े जब हाथ पाँव मारते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को टाइट फील करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो अपनी मम्मा की गोद में हैं। तो इस तरह से जो है वो रोते नहीं हैं, पैक रहते हैं, उठाने में भी बहुत आसानी रहती है। कि बेबी जो है, जिनको फर्स्ट बेबी होता है वो जो है थोड़ी सी मुश्किल फील कर रहे होते हैं बेबी को जो है उठाने में, कैरी करने में, तो जब वो सैक पहना देते हैं अपने बेबी को तो इसे बेबी केयरफुल हो जाता है, उसके गिरने का खतरा नहीं होता। इसके अलावा क्यूट बड़े लग रहे होते हैं बेबी। तो फ्रेंड्स, आज की कलेक्शन क्रॉच हैंडमेड बेबी सैक की आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, होप सो। तो आपको मेरी ये कलेक्शन क्रोशिया के बने हुए बेबी सैक जो है कि कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। तमाम के तमाम बेबी सैक हैंडमेड हैं, आप इनको बाज़ार से भी बाय कर सकते हैं और बनवा भी सकते हैं अपने बेबी के लिए। तो आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैंने कोशिश की है कि तमाम के तमाम कलेक्शन बहुत प्यारी लेकर आऊँ, ताकि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक स्पेशल सा बेबी सैक जो है वो बनवा सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है क्रोच हैंडमेड बेबी सैक बेबी पाउच की, तो आपने जो है मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ऑल अबाउट ग्लैमर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल के आने वाली लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ इसी तरह हासिल करते रहें। इसके अलावा आप मेरे चैनल ऑल अबाउट ग्लैमर को विजिट ज़रूर करें, आपको वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न देखने को मिलेंगे। वेरी लेटेस्ट और स्टाइलिश कलेक्शन हर चीज़ से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिलेगी, जो कुछ आप देखना चाहते हैं, जो कुछ जिस किसी चीज़ की आपको तलाश है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कलेक्शन आपको कैसी लगी क्रोच हैंडमेड बेबी पाउच की मुझे ज़रूर बताना है। बेबी ब्लैंकेट तमाम के तमाम बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत नरम और नाजुक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। समर में जो है फिर ये थोड़े से जो है गर्म ज़्यादा होते हैं, तो समर में जो है पहनाने के लिए ये कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। होप सो कि आपको ये तमाम की तमाम कलेक्शन पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मेरे वीडियो चैनल पर क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूवर्स, अपने फीडबैक जो है आपने ज़रूर देना है, इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियो लेटेस्ट कलेक्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने बाकी अकाउंट पर। खुदा हाफिज़।